गैलप सर्वे की रिपोर्ट में फौज की मकबूलियत 88% और सियासतदानों पर अवाम का एतमाद सिर्फ 39%। रिपोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लंदन में 2 इजलास में इन रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। 2 इजलासों में 3 रिपोर्ट्स पेश की गई और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लीगी क़यादत को बताया गया कि इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ की पोजीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेहतर है। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 60 के मुकाबले में 40% और तीसरी रिपोर्ट में 45 के मुकाबले में 55% का तनासुब दिया गया और इस तनासुब को बेहतर बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने मकबूल बयानियां बनाने और मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला किया। ये इम्कान जाहिर किया गया कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से इस तनासुब में बराबरी और बेहतरी आएगी। गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इदारों में मकबूलियत के लिहाज से फौज पहले नंबर पर है। फौज की मकबूलियत 88%, पंजाब में फौज की मकबूलियत 90%, मीडिया और अदालतों पर अवाम का एतमाद 56%, इलेक्शन कमीशन पर 42%, पुलिस पर 54%, लोकल गवर्नमेंट्स पर 51% और पार्लियामान पर 47% जाहिर किया गया है। गैलप सर्वे के सबसे होशरबा इंकशाफात ये हैं कि अवाम में सियासतदानों की मकबूलियत सिर्फ 39% तक रही। अवाम की अक्सरियत की राय में सियासतदानों के बारे में मनफी राय का इजहार किया गया, मगर सियासतदानों में मकबूलियत के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 60% के साथ ताहाल पहले नंबर पर हैं। 38% के साथ दूसरे नंबर पर अल्लामा साद रिजवी और परवेज इलाही हैं। शाह महमूद कुरैशी 37% के तीसरे नंबर पर और मियां नवाज शरीफ 36% के साथ चौथे नंबर पर, जबकि शहबाज शरीफ साहब 35% के साथ पांचवें नंबर पर और 30% के साथ मरियम नवाज साहिबा छठे नंबर पर हैं। इस सर्वे में अकेले मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोकर की मकबूलियत का अहाता भी किया गया, मगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई भी लीडर, किसी भी शख्सियत का नाम इस लीडर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं है। गैलप सर्वे के मुताबिक सियासी जमातों के हवाले से देखें तो सर्वे में शामिल लोगों की 38% तादाद तहरीक इंसाफ, 16% मुस्लिम लीग नून, 10% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 15% टीएलपी, 9% जमात इस्लामी और 6% एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्यादा पसंद करती है। सर्वे के मुताबिक अगर इलेक्शन आइंदा हफ्ते में हो जाएं तो मुस्लिम लीग नून के वोटरों से दुगनी तादाद यानी कि डबल वोटर्स पीटीआई को वोट डालेंगे, मगर हर 5 में से 2 अफराद का यह कहना है कि अगर चेयरमैन पीटीआई पार्टी के सदर ना हो तो वो पीटीआई को वोट डालेंगे और अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले तो पीटीआई के वोटरों की करीबन चौथाई तादाद मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। सर्वे में यह दिलचस्प इंकशाफ भी किया गया कि जब अवाम को ये ऑप्शन दिया गया कि चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ में से वो किसको वोट डालेंगे तो जवाब में सिर्फ 3% का फर्क है। 46% ने चेयरमैन पीटीआई और 43% ने मियां नवाज शरीफ को मुंतखब करने का कहा। गैलप सर्वे के मुताबिक जब लोगों से सियासी हुकूमत और फौजी हुकूमत के हवाले से पूछा गया तो लोगों की एक बड़े हिस्से ने यह कहा कि पीटीआई के मुकाबले में वो फौजी हुकूमत की हमायत करेंगे। फौज के सियासत में किरदार के हवाले से भी अवामी राय बड़ी दिलचस्प रही। सर्वे में 32% लोगों ने फौज के सियासत में बड़े किरदार को जरूरी करार दिया और 31% ने कहा कि फौज का सियासत में बिल्कुल किरदार नहीं होना चाहिए। गैलप सर्वे के तहलका खेज इंकशाफात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान कर चुका है और सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पर तोड़ रही हैं, मगर सियासी जमातों के लिए संगीन अलमिया यह है कि अवाम का एतमाद बड़ी तेजी के साथ सियासत से उठ रहा है और सिर्फ 39% लोग सियासतदानों पर एतमाद करने को तैयार हैं। नाजरीन, 2008 से आज तक इन 15 बरसों के जमहूरी सफर का अगर ये रिजल्ट है तो दिल बैठ रहा है। अवाम अपने ही मुंतखब ऐवानों और नुमाइंदों से बेजार दिखाई दे रहे हैं। सियासी जमातों के लिए ये अदाद और शुमार भी बायसे फिक्र होने चाहिए कि सर्वे की एक बड़ी तादाद फौज के सियासत में किरदार के हक में दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता दिनों निगरान वज़ीर आज़म भी ये दावा कर रहे थे कि मुंतखब हुकूमतों की बजाय निगरान हुकूमतें बेहतर परफॉर्म करती हैं, बेहतर गवर्नेंस दिखा देती हैं। बरसर इक़्तिदार सियासी जमातें एक पेज के दावे बड़े फखर से करती हैं, मगर सिलेक्टेड के तानों ने हर बार इस पेज को एक पेज रहने नहीं दिया। सर्वे को देखकर ताज्जुब हो रहा है कि वही जमातें कि जिन्हें कल तक सिलेक्टेड के ताने दिए जा रहे थे वो मकबूलियत के ग्राफ में मगर पहले और दूसरे नंबर पर हैं। और हैरानी तो इस अमर पर भी है कि अवाम में मकबूलियत की ऊंचाई को पहुंच जाने वाली तहरीक इंसाफ ने अपनी भारी जिम्मेदारी का एहसास ना किया और रियासती इदारों पर हमला किया। मकबूलियत की इस मेराज को छू जाने के बाद भी तहरीक इंसाफ के इस एक इकदाम ने न सिर्फ अपना बल्कि अवाम और मुल्क का सियासी तौर पर बड़ा नुकसान किया।